वॉचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव, और मेरे साथ हैं वन मैन आर्मी, मैं उन्हें कह सकती हूं, क्योंकि ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर, ही इज द होल इंस्टीट्यूशन, अ होल एंटिटी आई वुड से। यस, आई हैव विद मी मिस्टर सतीश कौशिक। सतीश सर, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक कैसे यू हैं? जी, थैंक यू। बस ये बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम कमेंट वधिया लग रहा है। करने So, sir, how much happy do you feel with the success of Chhatri Wali? ऑफ कोर्स, व्हेन यू डू समथिंग, कुछ ऐसा ऐसा काम करो जो हाँ, दिल दे नाल करो, फिर तुझे चाहते हो कि उन्हें सक्सेस मिले, और उन्हें सक्सेस मिल जाती है, तो वो तो ज्यादा हैप्पीनेस तो हो ही नहीं सकती ना कुछ। तो दिस इज समथिंग विच यू डिड विद योर हार्ट एंड वर्क विद फिल्म मेकर्स हु बिलीव्ड इन दिस फिल्म। यू नो, एक अलग तरह की एक्ट्रेस, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस रुकुल प्रीत दे नाल काम किया। यू नो, डायरेक्टर तेजस्वी, यू नो, RSVP जैसी कंपनी, जिस तरह मतलब रोनी स्क्रू वाला, सच एन एक्सपीरियंस पर्सन। तो वेन यू वर्क विद दीज काइंड ऑफ पीपल एंड पिक्चर कामयाब होती है, तो देन यू फील वेरी ग्रेटफुल टू द मेकर्स हु हैव डन इट, एंड टू द गॉड एंड टू योर ऑडियंस दैट हु हैज एक्सेप्टेड दिस फिल्म, कि जिस मंशा दे नाल ए पिक्चर बनाई सी, वो मंशा लोगों तक पहुंची और लोग उस दे मेड इट सक्सेसफुल। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट दिस फिल्म छतरी वाली गॉट सच रिकॉग्निशन दैट द मैसेज रीच्ड पीपल एंड रीच पीपल एंड इट विल चेंज पीपल एंड इट विल चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल। यू नो, कि तो थोड़ा दिमाग भी चेंज करेंगे, मतलब है कि भाई ये जो टैबू सी, असी सोचते सी, गल नहीं करते सी कि अबाउट टॉक अबाउट सेक्स, टॉक अबाउट कंडोम, इस पिक्चर के बाद डेफिनेटली देर विल बी चेंज, कि नहीं यार तुसी गल करो, बिकॉज ये थोड़ी सेहत के वास्ते रहना बहुत चंगा है, ना ये बहुत जरूरी है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर हैगी, बड़ी सराहनीय पिक्चर हैगी, और मतलब बड़ा मजा आया इस काम करके, एंड और दी सक्सेस दा होना सानू बड़ी खुशी दी गल है सर। और मुझे लगता है सर, एक्टर्स होने का मतलब, एक्टर्स के जरिए जब मैसेज हम स्क्रीन तक पहुंचाते हैं, व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं, तो बहुत सटल वे में चला जाता है वो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन एक्टर, व्हाट वुड यू से? यस, ऑफ कोर्स। देखो, आजकल का तो सिनेमा का स्टाइल ही नमिता ऐसा हो गया कि सटलिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। यू नो, पहले हम मैं उसका भी भाग रहा हूँ जो 80s 90s, लेट 80s, मतलब 80s 90s के अंदर बड़ी लाउड पिक्चरें बनती थी असल में, डां डां। उन दिनों में हमारे ना थिएटर्स ऐसे होते थे कि जिनके साउंड इक्विपमेंट कमाल के होते थे। आज साउंड इक्विपमेंट कमाल आ गया, आज जो पिक्चर क्वालिटी है वो जबरदस्त हो गई है। तो मतलब आज हमको कुछ ज्यादा, आज हमारे एक एक चेहरा, एक एक एक्सप्रेशन डिजिटल पे दिखाई देता है असल में। जब फोन कैच कर सकता है तो मूवी कैमरा डिजिटल जो होता है वो तो क्या क्या कैच कर सकता है, आपको पता है, जो साउंड के इक्विपमेंट है। तो हम तो उस लाउड का भी रहे, हमने भी पप्पू पेजर और ये मुत्तू स्वामी, समझे ना, आइयो जी, आइए जी, बैठिए जी, चलिए तो सही, आइए तो सही, बैठिए तो सही, समझे ना, ये तुम लोग घबराने का नहीं, समझा। हमने ऐसे बड़े खुले खुले रोल किए हमने, ठीक है ना। अब टाइम आ गया बड़ी सटल बात करने का, बिकॉज हमारी बात जो है ना, हमारा हिस्स भी जो है वो हमारी साउंड पकड़ लेती है असल में, हमारे माइक्स पकड़ लेते हैं। आज ट्विच जो ऑफ ऑफ स्क्रीन ऑफ योर लिटिल यू नो के फेस के ऊपर जरा सा ट्विच हो आंखों, वो डिजिटल कैमरा कैच कर लेता है। बिल्कुल सो सही। या अदरवाइज उसको हम लाउड करेंगे तो देन वो थोड़ा सा आपको बहुत इफेक्ट करेगा, सबकी सेंसिबिलिटीज को इफेक्ट करेगा। तो इसलिए आज जो है, और हमने अपने आप को अडेप्ट भी कर लिया, हम बिल्कुल, वो दौर में भी थे, इस दौर में भी थे, तो यस, वही एक्चुअली एक्टर का की बात होती है कि अपने आप को रेलेवेंट रखना, अपने आप को अपडेटेड रखना, और मैंने अपने आप को अपडेटेड रखा। तो आज मैं, यस, चाहे मैं, आप बोलो 67 6 हूँ या 67 हूँ, और काम तो मैं यंगस्टर की तरह कर रहा हूँ ना, पैशन तो मेरा यंगस्टर की जैसा है ना, मैं भी तो यंगस्टर को जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे को तेरे से अच्छा आता है, मैं तेरे से कम्पीट कर सकता हूँ और मैं अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। एंड दैट इज वाई, वेन यू गेट पिक्चर लाइक छतरी वाली जैसी पिक्चर आपको मिलती है, आप तन मन धन से सटल तरीके से काम करते हैं। अब मेरा कैरेक्टर उसके अंदर वो था, विग पहनता है, यू नो, विग बदलता रहता है, वो लोग होते हैं जैसे करनाल के अंदर लोग होते हैं, हमने विग बदलते, कितने लोगों को जानता हूँ असल में। और वो ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे को कभी रिव्यूज में मिला हिडियस विग ही वाज वेयरिंग, बट देन व्हेन यू वेयर ए विग यू लुक हिडियस ओनली, यू नो, विग नेचुरल हो ही नहीं सकती। और छोटे शहर के लोगों को तो अच्छी लगेगी बुरी लगेगी इसका तो अंदाजा ही नहीं होता, उनको तो ये है बाल है मेरे सर पर यार, बस दैट्स ऑल। तो हिडियस तो लगने वाली है ही नहीं। मेरे कई दोस्त है वो बोलते हैं यार क्यों विग पहनता है यार, समझे ना क्या, लेकिन अब उनको पहननी है। तो लांबा का जो कैरेक्टर मैंने किया, बेशक वो विग पहनता और बहुत
थोड़ा सा लुक वाइज अनरियल आदमी है, पर दिल से बड़ा रियल आदमी है, दिल दिल से से बड़ा, टचिंग है। और बेशक वो काम जो करता है, जो कि उसके बाप दादा ने खड़ा किया कंडोम फैक्ट्री, उसको प्राउडली ओन करता है और बोलता है कि ये मतलब ये दिस विल मेक डिफरेंस टू सोसाइटी, बड़ा नेक काम है ये, एक्चुअली कंडोम बनाते हैं बड़ा नेक काम है, और वाकई में नेक काम है, क्योंकि यार इससे आप कई लोगों की जानें बचाते हैं सर, यू सही। नो, आप पैदा होने वाली जान को बचाते हैं इसके अंदर, यू नो। सो आई फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म एंड इट्स सक्सेस, कि यार ये इस पिक्चर बहुत लोगों को पसंद आई है। अच्छा, फिल्म में एक डायलॉग है ना कि मुझे ना यंग लोगों की एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, उनकी हिम्मत। तो मैं बोलूंगी आपको तो यंग लोगों की हिम्मत अच्छी लगती है, और यंग लोगों को इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मुझे ये चीज आप में बहुत पसंद है कि हमें आपसे सीखने को मिलता है। मतलब हम जो आपसे सीखते हैं, जुनून है, जज्बा है, पैशन है, जो हम शुरू से अब तक सीख रहे हैं, एंड वी फील सो प्राइड इन सेइंग कि हम आपके एरा हाँ, हुए थे। वो डायलॉग बड़ा 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 पॉपुलर हुआ है, और मतलब मैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि सभी बताए यार ये यंग जनरेशन की, इट आई गिव ट्रिब्यूट टू द यंग जनरेशन बिकॉज आई लव बीइंग विद देम, आई लव यू नो कन्वर्सिंग विद देम, यू नो आई लव टू हियर देयर हार्ट आउट और रीड देयर माइंड आउट, कि वो क्या कहना चाहते हैं, यू नो, और कितने खुले हुए लोग हैं, मतलब बहुत एक्सप्रेसिव बहुत है आज की जनरेशन जो है ना, बहुत हाँ एक्सप्रेसिव है। तो हम इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे नमिता, हम डर डर के ऐसे करते, धीरे 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 हम खुले हैं असल में, लेकिन नहीं आज की जनरेशन जो है ना वो बहुत हाँ नहीं हाँ सर, आप कहीं से डरे हुए नहीं लगते थे तब भी, और अब भी, मतलब तब भी वही पैशन था, आज भी वही जुनून हमको दिखता है। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, जब भी कोई काम शुरू होता है ना नमिता, एक चीज का ख्याल रखना, किसी भी काम को सुपर कॉन्फिडेंस से मत करना, बिल्कुल ऐसा करना हो ऐसा करो कि जिसमें आपको है ना कोई टास्क लगे उसको। मैं हमेशा जो काम मुझे मिलता है ना, मुझे पहली बार ऐसा लगता है पता नहीं मैं इसे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा यार, वो जो 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 रनिंग एनर्जी होती है ना, वो मॉलिक्यूल जो हिले हुए होते हैं ना, वो आपको एक्चुअली अच्छा काम करने में मजबूर करते हैं। तो ये सुपर, मेरे को बहुत जो लोग कहते हैं ना यार ये मैं कर दूंगा 2 मिनट में, कुछ ऐसा कुछ नहीं, और वो कई बार वर्क करता है, बट मैं उस तरबियत का आदमी नहीं, मेरे को अच्छा लगता है कि कोई भी काम करने से पहले आपको ऐसा लगना, आपको 0 लेवल पे आ जाना चाहिए कि मेरे को कहीं जाना है, बिकॉज आप 25 लेवल पे पहले ही बैठे हुए हो, तो 100 लेवल पे पहुंचने में 75 का ही होगा, पर 0 से 100 तो 0 100 होगा ना असल में। तो देन यू मतलब लीव योर सेल्फ एम्प्टी, योर सेल्फ अपने आप को खाली कर दो, ताकि उसके अंदर भर सको आप असल में। तो मैं तो हमेशा मतलब कैमरा के आगे आता हूँ मैं सुपर कॉन्फिडेंट होता हूँ, और मैं हाँ। पर मतलब ये है कि मैं कोई भी काम करते हुए डरता जरूर हूँ उसका, देर इज सम काइंड ऑफ ए समझे ना। हाँ, रहती है दिमाग। और वो नर्वस एनर्जी है ना आपको हेल्प करती है सर, यू नो। मैं तो कई बार सुपर कॉन्फिडेंट फील करता हूँ ना, तो मैं आई मेक इट, मैं तो बनाता हूँ अपने आप को कि मैं नर्वस कैसे हूँ यार, ये नहीं होगा मुझसे, उसको मैं एक्ट आउट करता हूँ उस नर्वस एनर्जी को असल ये भी अच्छी बात है। में। मतलब लगता है कभी कभी कि मतलब आपसे एक्टिंग सीखनी हो तो कहाँ आ जाए सर, मतलब मुझे प्लीज बता दो। कहीं भी आ जाओ मेरे से बात कर लो, बात कर लोगी तो ही एक्टिंग सीख जाए। मैं लोगों का ना कई बार स्क्रीन टेस्ट नहीं लेता, मैं अच्छा, बातचीत करता हूँ, मैं बातचीत ओके, करता हूँ, है ना, बातचीत करने में मेरे को पता चल जाता है कि क्या इट इज टॉक, और टॉक अबाउट योर फैमिली, योर लाइकिंग्स, योर ट्रेवल, आप किस चीज में बिलीव करते हो, कुछ नहीं, उससे आपको आपका स्क्रीन टेस्ट हो जाता है सब, यू हाँ नो। तो मैं आई हेट टेकिंग स्क्रीन टेस्ट ऑफ एक्टर्स, यू नो, आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह लेके आते हैं, पर मुझे लगता है कि मैं बंदे से मिल लूंगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि यार क्या है यार, हाँ यू नो, वेदर ही इज और शी इज राइट और है कि नहीं। मैंने होता ना कि कई बार आप किसी को मिलते हैं, और वो होते हैं मेरी पहली कागज जो बनाई थी ना, इसके अंदर एक लड़की है मोनल गज्जर, यू नो, यस उसने काम किया था, अब उसको मैं अहमदाबाद आज से 8 साल पहले मिला था, पिक्चर तो 2018 में बनाई, लेकिन हाँ 2018 से मैं उसको कुछ 2013-14 में मिला था, बस अच्छा, पता नहीं मेरे को अच्छी लगी थी, मैं किसी फंक्शन में, मैंने सोचा तेरे को भी पिक्चर में लूंगा, ओ यू सो नो, और मैंने अपना वादा पूरा किया उसको पिक्चर में लेकर के, और क्या जबकि बात, उसका फोन नंबर नहीं था मेरे पास, यू अच्छा नो, वो कहीं से फेसबुक से नंबर उठाया, और फिर मैंने उसको बोला, तो पहले हमारी एक कंपनी की मराठी पिक्चर बन रही थी उसमें लिया, और बाद में कागज में लिया, वेरी यू नो, नाइस। तो मेरा मैंने उसको कोई उसका कोई टेस्ट नहीं लिया, कोई टेस्ट नहीं लिया उसको, मैंने उसका सीधा शूटिंग पे आ जाता, यू अच्छा, नो। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो मैं आई ऑलवेज डू दैट, दैट इट इज बेटर टू कन्वर्स टू नो द पर्सन, टू टू यू नो हियर द हार्ट एंड द माइंड, यू नो,
is better too when you're casting. You want to cast somebody. Absolutely. When in acting sir, हम देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा improvise भी करते हैं, which is the best part about you, है ना? हमने तब का सुना था जब रूमी जाफरी आपकी फिल्म के पप्पू पेजर के लिए डायलॉग लिख रहे थे, तो आपके साथ बैठ के बंबई वाला जो पूरा एक्सेंट था आपने उसके अंदर खुद डाला है. कि भी आप ऐसा करते हो जब अपनी स्क्रिप्ट्स आपके पास आती हैं और आप जब उनको पढ़ते हो तो. हाँ ऑफ कोर्स मेरे को अच्छा लगता है कि क्योंकि हम कैरेक्टर रोल्स करते हैं ना, और कैरेक्टर रोल्स क्या है, भीड़ का पार्ट लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए ऑडियंस को ये बंदा कोई देखा हमने कहीं यार, इस तरह की स्कोर की या कुछ स्टाइल का आदमी देखा है, ये जिस तरह की हरकतें करता है या बात बोलता है ये कहीं हमने बियर, तो ही हैज टू लुक द पार्ट ऑफ द क्राउड। तो उसमें क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करें जो आपको थोड़ा सा अलग लगे, और कुछ उसका यूएसपी हो, मतलब है ना कि ये कैरेक्टर ऐसे करता है, जैसे इसके अंदर मैंने यंग जनरेशन की यही बात तो मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने इम्प्रोवाइज किया था, हाँ एंड तेजस इवन इवन इमीडिएटली एग्रीड, यू नो मैंने वो जो एक पिक्चर थी हसीना मान जाएगी, जी उसके अंदर ये तकिया कलाम इम्प्रोवाइज किया था, आइए तो सही, हाँ चलिए तो सही, बैठिए तो सही, है ना। अब मैंने डेविड को कहा था डेविड ये देखना इसको मेरे को यूज करने दे, ये लोग इसी को रिपीट करेंगे बात, क्या बात है, क्या बात. यू नो कि जब जब कादर खान के सीढ़ी से उतर रहे हैं, उतरिए तो सही, फोन पकड़िए तो सही, अरे बात कीजिए तो सही तो बाकी डायलॉग भूल जाएंगे ऐसे, पर लोग इसको याद रखेंगे असल में, यू नो। तो वो और जैसे कैलेंडर के अंदर थोड़ा सा फेमिनिन टच में बात करना, यू नो, हाँ या एक पिक्चर थी घर वाली बाहर वाली, उसके घरवाली अंदर बात. हाँ जैसे अरुण भैया आप आ रहे हैं कि जा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहे हैं, हाँ जम्बो का रोल किया था, हाँ किसी में पहाड़ी लैंग्वेज इस्तेमाल कर ली किसी में, तो और आजकल के जो किरदार होते हैं, अभी जैसे ब्रडी ब्रदर्स जैसा रोल था, तो पहली ब्रडी ब्रदर्स एक सीरीज आया था जी पे आया था, Z5 पे, और उसके ऊपर उसमें मैं बहुत बड़े गैंगस्टर का रोल कर रहा था, हाँ तो पूरा मैंने आवाज अपनी पूरी चेंज की, यू नो, और सिगार पीने का स्टाइल और चश्मा और बहुत कूल बोला था। तो इट इज आप अपनी बॉडी को अडेप्ट करते हैं और कुछ ऐसा अलग, तो वो सिगरेट मैंने उसको बोला था कि मैं कांस्टेंट धुआं छोड़ूंगा कैमरे के ऊपर, इतना सिगार पीऊंगा और आवाज को चेंज करो, तो शायद ही बोला सतीश सतीश भैया आप कर लोगे, मेरे को अंकल बोलता है सतीश अंकल, इट विल बी ओके हैं, सतीश जी आप ये आवाज को वो करें, मैंने कहा ऑफकोर्स करूंगा, और उसका वो ही हुआ कहता, मतलब उसमें हांडा का रोल जो मैंने किया था हांडा साहब का, ना कि कहते हम खुद अपने आप को हांडा बुलाते हैं और तुमने 3 बार खुद अपने आप को हांडा साहब बुलाते हैं और तुमने 3 बार सिर्फ हांडा बोला अब 2 मिनट में ताली. आवाज चेंज कर ली हो इट इज लाइक यू नो ऑन करना स्विच ऑन करना, बट दैट इज द एक्सपीरियंस, दैट इज द एक्सपीरियंस यू हैव गॉट फॉर सो मेनी इयर्स बाय वर्किंग इन ऑन स्टेज एंड वर्किंग इन सो मेनी मूवीज। आई थिंक एक्टिंग मुझे लगता है स्क्रीन पे जितना देखने में आसान लगता है कि अरे क्या है एक्टिंग कर ही लेंगे, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है. मतलब आप लोग को कंटिन्यू करना पड़ता है. हाँ लोग मैंने तो बड़े बड़े लोगों को हिलते हुए देखा है कि यार 2 डायलॉग इकट्ठे नहीं बोल पाते हैं यार कौन मतलब पूरे उससे पर, लेकिन आजकल का सिनेमा ऐसे हो गया ना कि आपको एडिटिंग भी एक चीज होती है, डायरेक्टर को डायरेक्टर भी एडिटिंग करके आपको आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है असल में, यू ऑब्वियसली. और एक्टर को तो पूरी तरह से डायरेक्टर को सरेंडर करना ही चाहिए, बट आप तो डायरेक्टर खुद भी हो तो सेट पे नो कॉल रहता है जब आप एक्टिंग कर रहे पर होते मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता, मैं जब एज एन एक्टर जाता हूँ ना आई रियली एंजॉय, बिकॉज एज ए डायरेक्टर तो मैं कॉन्स्टेंट टेंशन में रहता मैं तो एक्टरों के नखरे कभी झेल नहीं सकता, और जैसे ही मैं एज एन एक्टर रहता हूँ मैं अपने नखरे शुरू कर देता हूँ तो मेरे नखरे शुरू हो जाते हैं, अरे यार ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, सबको रहता है सर जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं तब तो नहीं होता है, मैं बोलता हूँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता हूँ तब मैं डिफरेंट टू सतीश कौशिक्स when an actor Satish Kaushik who loves his craft, who loves being an actor, you know, and one is a tough job of being a producer and a director, वो समान उसमें nervous, acting फिर भी मैं आराम से कर लेता हूँ, ये direction production जो है ना ये अलग खेल है, so there are two different Satish Kaushik when they are as an actor producer, as an actor और दूसरा as a producer director, तो कागज 2 के साथ आप डायरेक्शन दोबारा से कर रहे हो तो उसमें कैसे रहता है माहौल? बहुत मतलब मैं जब भी जाता हूँ ना सेट, जब मैं डायरेक्शन में होता हूँ तो वो मैंने ना अपने आप को नर्वस एनर्जी बहुत क्रिएट करता हूँ, अच्छा यू नो ओके. मेरे को ऐसा लगता है कि आप ये चीज कैसे हो पाएगी यार, इसको मैं तो क्या उसका बेस्ट ही तब निकलता है
जब उसके नर्वस एनर्जी के मॉलिक्यूल भटक रहे होते हैं ना वहाँ, तो वो आपकी आपको और रगड़ रगड़ के एनर्जी देते हैं असल में, पॉजिटिविटी देते हैं असल में, और आपको आपको मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे रखते हैं असल। बिल्कुल और जो कूल हो जाते हैं ना वो ऐसे, वो मतलब कम से कम मेरी मेरे को एज ए डायरेक्टर वो सूट नहीं करता सर, मेरे को नर्वस एनर्जी ही सूट करती है सर। सर, आप तो बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं। मतलब मैं भी बहुत नर्वस रहती हूँ, मुझे स्टेज पे जाना हो या मुझे एंकरिंग करना हो, मैं नर्वस रहती हूँ, पहले प्रिपरेशन करूंगी अंदर ही अंदर, अरे मैं कुछ नहीं कुछ लोग गलत। पर नमिता, दैट विल मेक यू परफॉर्म गुड ऑलवेज ऑन स्टेज। और यस तुमने यस नोट किया होगा कि जब तुम सुपर कॉन्फिडेंट होके जाओगी ना, कुछ ना कुछ फोपा करोगी सर, लेकिन अगर नर्वस एनर्जी के साथ जाओगी ना तो 100% कुछ ना कुछ अच्छा होगा सर। यू नो ऑफ कोर्स व्हेन यू स्टेप ऑन इट देन द कॉन्फिडेंस यू हैव टू, बिकॉज़ योर ऑडियंस हैज टू कनेक्ट, बट उससे जो प्रिपरेशन में जो नर्वस एनर्जी है ना वो बहुत जरूरी होती है सर। एब्सोल्युटली। अच्छा ये बताइए, आपका ये कंप्लीट हो गया, ये पूरा शूट कंप्लीट हो गया कागज 2 का, या अभी हाँ बचा है? कागज टू का, हाँ कागज टू का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है आजकल, पोस्ट प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है, इसमें अनुपम ओके खेर हैं, दर्शन कुमार हैं, कश्मीर फाइल के 2 सक्सेसफुल लोग हाँ हैं, नीना गुप्ता मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं खुद भी यस रोल कर रहा हूँ, हाँ मैं खुद भी रोल कर रहा हूँ उसके अंदर। तो दिस इज कंप्लीट। और पर ये सबसे अच्छी बात यह है कि आज छतरीवाली की बात करें तो हम प्राउड फिल्म, और मुझे मतलब हमने सोचा था कि यार ये, मैं तेजस को हमेशा बोलता था कि ऐसे सब्जेक्ट पे 1-2 पिक्चरें आ चुकी थी तो बड़ी घबराहट हो रही थी असल में, लेकिन मैं हमेशा तेजस को बोलता था नहीं, पर तेरी पिक्चर जो है ना इस बात को बहुत एंटरटेनिंग तरीके से बोल रही है और हाँ बहुत लाइट तरीके से बोल रही है, दिस विल डेफिनेटली वो, और जो बात कहनी चाहिए थी वो कही नहीं। Z5 की मार्केटिंग ने भी एक्चुअली यू नो जो पिक्चर के अंदर की बात थी कि सेक्स एजुकेशन, सेफ सेक्स, यू नो इस बात को ओपनली डिस्कस करना ताकि हम यू नो हेल्दी रह सके और हमारे रिलेशनशिप हेल्दी रह सके, वो बहुत उसको जो से प्रमोट किया बहुत अच्छा था। अच्छा आप तो हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री के लाइक प्रमोशन में भी लगे हुए हैं, उन पर भी आप 5 फिल्में बनाने का आपका एक जी कोशिश जी है, हाँ एक तो बन गई अभी ये करनाल वाली। ये भी जो है, मैं तो बोला था करनाल में शूट कर दू, सब तरफ करा दूंगा, पर ये करनाल को वो किया, पर हमारे हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री में आई एम द चेयरमैन ऑफ हरियाणा फिल्म डेवलपमेंट यस कॉरपोरेशन, और दूसरा ये कि हमारी कंपनी जो है लास्ट ईयर 2 साल पहले बनाई थी हमने छोरियां छोरों से कम नहीं होती, वो बहुत सक्सेसफुल गई, और अभी हम छोरियां छोरों से कम नहीं होती पार्ट 2 भी बना रहे हैं, वाह और एक और नई स्क्रिप्ट भी तैयार हो गई है यू नो, तो इस साल रब ने चाहा तो 2 हरियाणवी पिक्चरें हमारी शुरू हुई है सब में। मैं तो चाहता हूँ कि मैं हरियाणवी फिल्में बने, क्योंकि हरियाणवी इज द मोस्ट मतलब बहुत सबसे नजदीकी लैंग्वेज है हिंदी की, हिंदी के बहुत नजदीक है, हरियाणवी के लिए इतना वो नहीं करना पड़ता, तो ऐसी हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री बने ये मेरा बहुत सालों का सपना है, बहुत सालों से मैं हरियाणा गवर्नमेंट के पीछे पड़ा हुआ था, मैंने बड़ा टाइम डिवोट किया अपना, और फिल्म पॉलिसी बनी है अब वो लागू हो गई है और अब सब चीज शुरू हो गई। सो नमिता थैंक यू, हाँ थैंक यू सो मच सर, आपसे समझे ना, बहुत अच्छा, बहुत ही थैंक अच्छा, यू थैंक यू, गॉड थैंक ब्लेस, थैंक यू।